जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में हमको श्रीनगर कैसे घूमना है, सोनमर्ग कैसे घूमना है, पहलगाम कैसे घूमना है और हमको गुलमर्ग कैसे घूमना है, ये सारी यात्रा एक साथ कैसे करनी है, इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप जम्मू के कश्मीर घूमने की इरादा बना रहे हैं और यदि आपका प्लानिंग श्रीनगर, गुलमर्ग और ये सारी चीजें घूमने का विचार है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कश्मीर के श्रीनगर कैसे पहुंचना है, कश्मीर में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, कश्मीर में हमको बेस्ट होटल एकोमोडेशन कहाँ मिलेगा, कश्मीर में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ हमको गुलमर्ग सोनमर्ग में हमको कहाँ कहाँ विजिट करना है, गुलमर्ग में हमको गुंडोला राइड की टिकट कैसे मिलेगी, वहाँ पे कौन कौन सी स्नो एक्टिविटीज होती है, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है कश्मीर आने के लिए और हमारा टूलिप का टाइम कब होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कश्मीर यात्रा का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको इस जम्मू के कश्मीर यात्रा करने के लिए आपको काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको कश्मीर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, कश्मीर आपको पहुंचने के लिए मेजर दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन की बात करूं तो वह है आपका दोस्तों बाय ट्रेन। दोस्तों, यदि आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो आपको जो नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो आपका पड़ेगा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप बाय रोड यात्रा तय करके आप कश्मीर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर में कहां पहुंचना है, वो आपको पहुंचना है श्रीनगर, यानी कि जम्मू तवी से जो श्रीनगर की दूरी है वो आपकी लगभग 220 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 220 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे और आप जम्मू से बाय रोड यात्रा करके श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन तो ये रहा। अगर मैं बात करूं कि अगर बाय रोड जो आप जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप चले जाइए जम्मू से श्रीनगर बस से, या फिर अगर आप पैकेज लिए हैं या फिर अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाला दोस्तों आपका 6,000 से 7,000 रुपए लेगा और आपको वो श्रीनगर पे ड्रॉप कर देगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो आपका फ्लाइट का। दोस्तों, फ्लाइट आपकी हालांकि जम्मू भी एयरपोर्ट है और आपके श्रीनगर में भी एयरपोर्ट है, दिल्ली से श्रीनगर के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट देखने को मिलेगी। तो सबसे बेस्ट कन्वीनियंट अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली आकर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़िए और आप श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर जाइए। तो दोस्तों, ये था आपका कि हमको श्रीनगर कैसे पहुंचना है और हमारा साधन क्या रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अब हमको श्रीनगर में होटल अकोमोडेशन कहाँ लेना चाहिए और हमारा स्टे का खर्चा क्या आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे है ये डल लेक, श्रीनगर का सबसे फेमस स्थान, और इस साइड पे रोड गई हुई है जिसको अपन डल लेक रोड बोलते हैं, और यहाँ पे लाइन से आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है आपका लाल चौक, या फिर आप चाहें तो डाउनटाउन में भी आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो दोनों जगह आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आप अकोमोडेशन लेना चाहें वहाँ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपका डे नंबर 1 होता है वो आपका अराइवल डे होता है। कहने का मतलब ये है कि डे 1 आपका सिर्फ आने में ही लग जाता है, क्योंकि आप बाई रोड आएंगे जम्मू तवी से या फिर श्रीनगर आते आते आपको शाम हो जाती है। तो उस रात आप जाइए अपने श्रीनगर पे, अपने होटल पे विश्राम कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए और आप पहली रात अपना इस तरीके से गुजार दीजिए। तो कुल मिला के आपका डे नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली सुबह प्रातःकाल यानी कि डे नंबर 2 में आप प्रस्थान करेंगे कश्मीर के सबसे खूबसूरत से प्लेस जिसका नाम है सोनमर्ग। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटी करने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग कैसे पहुंचना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं, अदरवाइज आप पैकेज में जाना चाहते हैं या फिर आप पैकेज लेकर आए हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाहिर सी बात है जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी होती है वो लगभग 80 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो 2.5 से 3 घंटे में लग जाते हैं यदि आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता तो। वही अगर यदि आपको ट्रैफिक जैम मिला तब तो जाहिर सी बात है कि आपका समय ज़्यादा चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं सोनमर्ग पहुँच के ही आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सोनमर्ग में दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है हिम का एरिया यानी कि स्नो एरिया। अब यहाँ पे आपको स्नो भी दोस्तों तब मिलेगा यदि आप विंटर से लेके मई जून तक अगर आप ट्रिप बना रहे हैं, तब तो आपको सोनमर्ग में हर जगह स्नो देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको गुलमर्ग में भी स्नो देखने को मिलेगी। लेकिन मई जून के बाद से लेके अक्टूबर तक आपको यहाँ पे स्नो नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्फ पिघल गई होती है, तो यहाँ पे सिर्फ बुग्याल बचते हैं। तो दोस्तों आप पहुंचिए सोनमर्ग। सोनमर्ग में यहाँ पे आप अपना साइट सीइंग कीजिए। यहाँ पे भी दोस्तों घोड़े से जाया जाता है जो कि आपका फेस 1 और फेस 2 कहलाता है। तो दोस्तों सोनमर्ग में फेस 1 में जाएंगे, वहां वो एरिया कहलाता है जहां पे आपका बजरंगी भाईजान की मूवी की शूटिंग हुई थी, तो वहां भी आप जा सकते हैं। लेकिन घोड़े वाले का चार्ज बहुत ज्यादा होता है, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए अनाप शनाप रेट वहां के होते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो ही जाइएगा, अदरवाइज आप बेवजह जाकर वहां पे पैसे व्यर्थ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग में ये सारा दिन साइट सीइंग करने के बाद यदि आप स्नो में जाते हैं तो वहाँ पे एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि स्लेज राइडिंग देखने को मिलेगा और आपको ATV मोटर राइडिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये चीजें बताना चाहूंगा कि यदि आप विंटर में या फिर अगर आप स्नो वाले पीरियड में जा रहे हैं तो आप सोनमर्ग में एक्टिविटीज ना कीजिए, बल्कि आप करिए गुलमर्ग में एक्टिविटीज, क्योंकि गुलमर्ग में आपको ऑप्शंस ज्यादा मिलते हैं।
हालांकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि गुलमर्ग में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी सोनमर्ग की यात्रा, जिसमें आप डे ट्रिप करके वापस आएंगे अपने होटल में, और उस दिन आपका डे नंबर 2 में रात्रकालीन श्रीनगर के होटल पे स्टे रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हम अगले दिन की तरफ, यानी कि डे नंबर 3 पे। दोस्तों डे नंबर 3 पे आपको प्रस्थान करना है अपने श्रीनगर से गुलमर्ग साइट सीइंग के लिए। अब दोस्तों श्रीनगर से जो गुलमर्ग हम जाएंगे वो आपकी डिस्टेंस पड़ती है लगभग 52 किलोमीटर की, यानी कि 52 किलोमीटर। और ये 52 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे गुलमर्ग के पार्किंग एरिया पे। अब दोस्तों गुलमर्ग में ही आपको स्नो सूट लेना है, क्योंकि अगर आप स्नो में खेलना चाहते हैं, स्नो में एक्टिविटीज करना चाहते हैं, या फिर स्नो में आपको काफी समय एक्सपेंड करना है, तो फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप गुलमर्ग में अपना स्नो सूट ले लीजिए। अब यहाँ पे गुलमर्ग में आपको ढेर सारे शॉप्स देखने को मिल जाएंगे स्नो सूट के, जिसका रेट दोस्तों वो 350 बोलेंगे, लेकिन आपको बार्गेनिंग करके 300 रुपए तक कर लेना है। 300 रुपए में आपको गम्बूट दे दिया जाएगा और आपको स्नो सूट दे दिया जाएगा, और आप वो पहनकर आप बढ़ चलिए अपने गुलमर्ग के तरफ। अब गुलमर्ग जाने से पहले, या फिर ये कह दूं कि अगर आप कश्मीर यात्रा करने से पहले, आपको गुलमर्ग के चलती है गोंडोला टिकट, यानी कि उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, या फिर उसको रोप वे भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों गुलमर्ग जो जाते हैं टूरिस्ट, वो केवल और केवल रोप वे के लिए जाते हैं। तो रोप वे की टिकट आप ऑनलाइन करवा लीजिए, इस वेबसाइट जम्मू एंड कश्मीर केबल कार अथॉरिटी वाले वेबसाइट में जाइए, यहाँ आप अपनी टिकट करवा लीजिए। टिकट करवाने के बाद आप स्लिप निकाल लीजिए और आप गुलमर्ग में जाके अपने केबल राइड की आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की ऑफलाइन टिकट की बंदोबस्त नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप पहली सारी चीजें निकाल के आए, ताकि आप गुलमर्ग में रोप वे का भी आनंद लेके आप स्नो एक्टिविटीज वाले पार्ट पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों जहां पे आपको गाड़ी वाला उतारेगा वहां से 1 किलोमीटर आपको लगभग पैदल चल के जाना पड़ेगा आपको रोप वे के टिकट काउंटर चेक पोस्ट तक। दोस्तों वहां पे आप जाएंगे, टिकट काउंटर चेक पोस्ट पे आप लाइन में लगी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन रहेगी। आपके टिकट में जो भी टाइम स्लॉट आप बुक करेंगे, आप उस टाइम स्लॉट में अपना बुकिंग करा लीजिए, और बुकिंग करा के बाद आप गोंडोला के रोप वे में जाइए। रोप वे में दोस्तों यहाँ पे आपकी 2 प्रकार से टिकट होती है, एक होता है फेस 1 का, एक होता है आपका फेस 2 का। दोस्तों यहाँ पे पीछे ये ऑफिस है हमारा, टिकट काउंटर ऑफिस, जो कि आपका गोंडोला से कुंगडोर और कुंगडोर से अपरवाद तक जाती है। लेकिन हमने ऑनलाइन टिकट निकाल रखी थी, हमारी ऑनलाइन टिकट पड़ी है एक पहले फेज की, जो अगर आप जाते हैं तो वो 740 रुपये की पड़ती है, और यदि आप दोनों फेज जाते हैं, यानी कि फेज 1 फेज 2 जाते हैं, तब आपकी 950 रुपये की वो सेकेंड फेज की टिकट पड़ती है। यानी कि दोनों की टिकट का कैलकुलेशन किया जाए तो अराउंड आपका 1690 रुपीज़ पड़ती है, और आप दोनों फेज की केबल कार राइडिंग कर लेंगे। तो आप ऑनलाइन निकलवा के आइए, ज़्यादा बेटर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे जाके आप अपनी बुकिंग करवा दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी नहीं पड़ेगी। ये हमारी टिकट होती है, इस तरीके की आपको टिकट का प्रिंट मिलेगा, तो आप ऑलरेडी अपनी टिकट करवा लीजिए। इसमें आपकी दोनों फेज की डिटेल होती है, तो आप ऑनलाइन टिकट करवा के आएँ ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज यहाँ पर आपको डायरेक्टली लाइन देखने को मिलेगी, ये ऑफिस है, तो आप ये सब करवा के आएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या हमको और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। ये करने के बाद जैसे ही आप अपनी टिकट चेक करा के पहुँचेंगे यहाँ पे अपने रोप वे के पास, यानी कि गोंडोला राइड करने के लिए, यहाँ पे आप बैठिए, बैठ के आप चल पड़ेंगे अपने फेस 1 की तरफ। सारी एक्टिविटीज दोस्तों फेस 1 में ही होती है, फेस 2 में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं होती, वहाँ केवल स्नो के लिए और व्यू के लिए लोग जाते हैं। तो फेस 1 में यहाँ पे दोस्तों आपकी स्कीइंग होती है, एटीवी मोटर राइडिंग होती है, बैलून जंपिंग होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप स्लेज राइड भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है दोस्तों, ये आपकी फेस 1 के कुंगडोरी फेस 1 में होती है, और आप ये एक्टिविटीज करके आप शाम तक वापसी गुलमर्ग के गुंडोला तक आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप गुलमर्ग आएंगे, वापस आप अपने पार्किंग पे जाइए, गाड़ी में बैठिए, और डे नंबर 3 में आप अपने होटल पे आ जाइए। दोस्तों होटल पे आइए, होटल पे चेक इन कीजिए, और उस रात आप अपना विश्राम कीजिए, यानी कि डे नंबर 3 आपका गुलमर्ग ट्रिप रहा, और आपका इस तरीके से डे नंबर 3 भी संपूर्ण होता है। अगली सुबह यानी कि दोस्तों डे नंबर 4 में हमको प्रस्थान करना है पहलगाम के लिए। दोस्तों श्रीनगर से जो पहलगाम की दूरी पड़ती है वो आपकी लगभग 100 किलोमीटर की पड़ जाती है। अब ये 100 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आप मान के चलिए आपको 3 घंटे का लगभग समय लगेगा, और आप पहलगाम में पहुंचिए। पहलगाम में आप साइट सीइंग कीजिए। पहलगाम में कौन कौन से साइट सीइंग आते हैं, चलिए मैं आपको उसकी भी जिक्र कर लेता हूं। दोस्तों पहलगाम में टोटल 3 पॉइंट आते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट करने के लिए दोस्तों आपकी जो गाड़ी रहेगी, यानी आप जो भी टैक्सी हायर किए रहेंगे, वो टैक्सी वाला आपको पहलगाम के साइट सीइंग नहीं करवाएगा, क्योंकि पहलगाम की जो साइट सीइंग होती है वो वहां के पहलगाम के लोकल टैक्सी यूनियन वालों की सुमो, बुलेरो, तवेरा, ये गाड़ियां लगती है। दोस्तों पहलगाम का जो साइट सीइंग आता है, जो कि फेमस साइट सीइंग में कहलाता है, वो है यहाँ का आरू वैली, और दूसरा यहाँ पे आता है आपका मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका पहलगाम में ही पड़ता है। दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि यहाँ पे ये जो सामने पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत के पीछे आपको बहुत सारे 3 से 4 से 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहां पे जाने के लिए दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा घोड़ा, और घोड़े से आप जाएंगे तब जाके आपकी ये सारी पॉइंट्स कवर होंगी। लेकिन घोड़े वाले को रेट जो होते हैं, वो सारे पॉइंट यदि आप करते हैं 6 से 8 पॉइंट करते हैं, तो आपका लगभग 4,000 से 5,000 लेता है।
बट आप चाहे तो अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करेंगे तो ये रेट कम भी हो जाता है। तो यदि मिनी स्विट्जरलैंड आप जाते हैं तो आपको घोड़े से ही आपको जाया जाता है, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके की कोई वाहन नहीं जाती है। और यदि आप एक दो पॉइंट करके वापस आना चाहते हैं, यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड का दो चार पॉइंट एक दो पॉइंट करना चाहते हैं, तब आपका काम 800, 1000, 1500 में भी हो जाएगा। बस आपको बार्गेनिंग करना प्रॉपरली आना चाहिए। अगले साइड सीनिंग की बात करें दोस्तों, तो वो है यहाँ का बेताब वैली। दोस्तों बेताब वैली भी आपका पहलगाम का फेमस साइट सीनिंग है, जिसकी एंट्री फीस यहाँ पे 100 रुपये होती है और 6 से 12 साल के बच्चों की 50 रुपये होती है। दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री टिकट कटाइए और यहाँ पे भी आप जाके विजिट कीजिए। काफ़ी सुंदर सा ये एक कहना चाहिए कि गार्डन है, पार्क है, जो कि मार्च के टाइम पे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ये टूलिप का टाइम हो जाता है। अभी विंटर पे हमको पूरी जगह स्नो देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार था। यहाँ पे आप आइए, कुछ समय बिता के आप यहाँ भी फोटो सेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो नेचर है, यहाँ का व्यू है, वो बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों अगले साइड सीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा यहाँ का चंदनवाड़ी। इस टाइम पे मैं हूँ अभी यहाँ पे पहलगाम के चंदनवाड़ी में, यानी कि जो अगला स्पॉट हमारा कहलाता है ये चंदनवाड़ी कहलाता है। चंदनवाड़ी में दोस्तों अभी फिलहाल स्नोफॉल हो रही है, और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये एक्चुअली विंटर के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। समर के समय पे ऐसा आपको नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि समर के टाइम पे ही आपको मालूम है कि हमारा शुरू होता है अमरनाथ यात्रा। तो ये चंदनवाड़ी यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑफिसेस हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, चेकिंग होती है, आईडी कार्ड बनती है। यहाँ पे हमारा शेषनाग के लिए भी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चंदनवाड़ी वही स्थान है जहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों ये रहा चंदनवाड़ी का एक साइट सीनिंग, जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत हमारा पॉइंट दिखता है। दोस्तों समर के टाइम पे ये ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर ग्रीनरीज दिखेंगी, माउंटेन्स दिखेगा। दोस्तों पहलगाम का एक और साइट सीनिंग आता है, और वो है यहाँ का आरू वैली। दोस्तों आरू वैली भी पहलगाम का एक फेमस डेस्टिनेशन कहलाता है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों जाना पड़ता है घोड़े के द्वारा ही, तब जाके आप वहाँ पे 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे भी घूमने को मिलेंगे, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं यदि आप विंटर पे नहीं आ रहे हैं तो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पहलगाम का सारा साइट सीनिंग करने के पश्चात मैं वहाँ एक नाइट इस होटल पे स्टे किया, क्योंकि ये सारे साइट सीनिंग को करते करते आपको शाम से रात हो ही जाएगी, तो आपको अपना स्टे लेना पड़ेगा। और उस रात मैंने विश्राम किया, यानी कि डे नंबर 4 मेरा कंप्लीट हुआ। अगली सुबह दोस्तों यानी कि डे नंबर 5 में मैं होटल से चेकआउट करके निकल पड़ा वापस श्रीनगर के लिए, और आज मेरा जो टर्न था डे नंबर 5 का वो था लोकल साइट सीनिंग का। यानी कि दोस्तों आपको डे नंबर 5 में जो व्यापन करना है वो यहाँ का लोकल साइट सीनिंग करना है। तो दोस्तों हम चल पड़े श्रीनगर, और श्रीनगर का सबसे पहला जो लोकल साइट सीनिंग आता है डल झील, क्योंकि डल झील में लोग शिकारा राइडिंग करते हैं। और आज मेरा जो डे नंबर 5 था उस नाइट आपको स्टे करना है यहाँ पे हाउस बोट में। तो दोस्तों यदि आप हाउस बोट में स्टे लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको शिकारा राइडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाउस बोट दोस्तों स्टेबल हाउस बोट होता है। आपको शिकारा राइडिंग करके ही आप डल झील के सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने हाउस बोट में स्टे किया, और हमने शिकारा लेके हमने पूरे डल झील को घूमा। डल झील में अगर मैं शिकारा राइडिंग के बोट की कॉस्ट की बात करूं तो मान के चलिए कि दोस्तों वो आवरली बेसिस पे 300 से 400 रुपये लेते हैं, बट सीजन टाइम पे वो रेट हाई भी हो जाता है। समटाइम्स ये आपका 800 से 900 रुपये प्रति घंटा भी हो जाता है, जब गर्मी में मे मंथ में अच्छा सीज़न लग जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है होटल की, गाड़ियों की, हाउस बोट की, कि सीज़न है या ऑफ सीज़न है। अगर मैं सीज़न की बात करूं दोस्तों तो मान के चलिए कि आपका जो सीज़न लगता है वो क्रिसमस के टाइम पे, और दूसरा जो आपका टाइम लगता है वो है आपका समर वाला टाइम, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का। ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रश होता है, इनको छोड़ के अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ें सस्ती मिलेगी। हाँ चलिए दोस्तों श्रीनगर के अगला लोकल साइट सीनिंग की बात करते हैं, वो है यहाँ का मुगल गार्डन, यानी कि शालीमार बाग जिसको बोला जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक पार्क देखने को मिलेगा, हालांकि टूलिप का टाइम नहीं होने से इसकी खूबसूरती उतनी हमको नहीं मजा आई। और यदि आप मार्च से अप्रैल वाले टाइम पीरियड में जाते हैं तो आप टूलिप गार्डन भी जा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत सा गार्डन होता है। यहाँ पे कई प्रजातियों के फूल, रंग बिरंगे फूल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आप सिर्फ एक ही महीने ओपन होता है, जो कि मार्च से लेके अप्रैल के बीच में ये ओपन होता है, और इसको टूलिप गार्डन बोला जाता है। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप टूलिप गार्डन कीजिए, अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं। श्रीनगर के अगले लोकल साइट सीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है यहाँ का मुगल गार्डन चश्मेशाही। दोस्तों चश्मेशाही गार्डन भी यहाँ है, जिसकी एंट्री टिकट आपकी 24 रुपये होती है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ भी फोटो शूट कराइए। और इसी तरीके से मुगल गार्डन एक निषाद बाग भी आता है, जिसको निषाद गार्डन बोला जाता है। वहाँ भी जाके आप अपने सारी चीज़ें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और आप उस रात आइए, अपना हाउस बोट में स्टे कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 जो आपका होगा वो लास्ट डे होगा आपका डिपार्चर श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए, या फिर श्रीनगर आपका रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से 5 नाइट 6 डेज की यात्रा ये रहेगी आपकी, जिसमें आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम ये सारा कवर होगा। दोस्तों यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डिटेल मिल रही है, वहां जाके आप कॉलिंग करिए, यात्रा बस की टीम आपको डील करेगी और आपको पैकेज जो भी कॉस्ट होंगे वो आपको बता देगी। इस तरीके से दोस्तों आप श्रीनगर पूरा घूम सकते हैं।
चलिए लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि श्रीनगर यात्रा को करने के लिए आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर टू श्रीनगर की जो आपकी पैकेज कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी लगभग 27,000 से 28,000 रुपए पड़ेगी पर कपल की, जिसमें आपका होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे और आपके प्राइवेट टैक्सी रहेगी, यानी कि कपल के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिलेगी और आप सारा साइट सीनिंग करके श्रीनगर टू श्रीनगर अपनी ट्रिप बना सकते हैं। वही यदि आप जम्मू टू जम्मू ये ट्रिप लेते हैं, यानी कि जम्मू पिकअप और जम्मू ड्रॉप लेते हैं, तो फिर आपका दोस्तों 6,000 की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और आपकी ये कॉस्टिंग लगभग 32,000 से 33,000 रुपए पर कपल हो जाएगी और आप अपना ये साइट सीनिंग सारा घूम फिर के 5 या 6 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कश्मीर यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या यदि आपको मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।